दोस्तों, इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला कवर करने वाले हैं। छोटा सा है लेकिन काफ़ी काम का हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने 3 ईमेल आईडी ली हैं। अब यहाँ पर इन ईमेल आईडी के अंदर मैंने गलती ये कर दी है कि @ की जगह हैश डाल दिया है, ठीक है, सभी में। अब हमें इसको हटाना है और @ लगाना है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर्मूले से करना चाहें तो इससे कर सकते हैं, नहीं तो फाइंड एंड रिप्लेस तो है ही, लेकिन बहुत सी जगह फाइंड रिप्लेस की जगह हमें पड़ते हैं एक फॉर्मूले की ज़रूरत। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इक्वल टू सब्स्टिट्यूट SUBS, सब्स्टिट्यूट मतलब एक चीज़ हटा के दूसरी चीज़ लगानी। सब्स्टिट्यूट हमने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर मैंने टैब दबाया तो पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। पहले पूछ रहा है टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट है, तो हम बता देते हैं भाई ये वाला टेक्स्ट है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट, हमारा पुराना टेक्स्ट क्या है जिसको हमें हटाना है, तो हमारा जो हैश है ना इसको हटाना है मुझे। चलिए मैं हैश इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा। इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखनी है पुरानी वैल्यू। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है नई वैल्यू क्या है, तो नई वैल्यू हमारी @ होगी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हैश की जगह @ आ गया है। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, तो देखिए सभी में जो है @ आ गया है, ठीक है। अब दूसरा हम एक और यूज़ कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम gmail.com की जगह हम चाहते हैं यहाँ पर yahoo.com आ जाए, तो चलिए यहाँ पर इसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इक्वल टू सब्स्टिट्यूट SUBS और टैब दबा देते हैं। अब पूछ रहा है टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है, हमारा ये वाला है, फिर कॉमा लगाएंगे और ओल्ड टेक्स्ट हम बता देते हैं कि भाई हमारे gmail.com, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे। न्यू टेक्स्ट क्या है, हमारा याहू मेल है, yahoo.mail.com, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, एंटर कर देते हैं। अब देखिए जीमेल की जगह यहाँ पर याहू मेल आ गया है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला जो है वो काम करता है। बहुत सी जगह पर फाइंड और रिप्लेस हम अप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, गलती हो सकती है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले की हेल्प से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगला फॉर्मूला आप कौन सा देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी आप फॉर्मूला बोलेंगे उस पर वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।